हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिमूव टू, REMOVETOO। रिमूव माने होता है हटाना, यानी टू को हटाना। सेंटेंस में दो टू का यूज़ हुआ है, एक है TO जो कि एक प्रीपोजिशन है और दूसरा है TOO जो कि एक नेगेटिव सेंस रखता है, जिसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली, यानी बहुत ज़्यादा, अधिक होना लेकिन इतना ज़्यादा जो कि बर्दाश्त के बाहर हो, यानी एक्सट्रीमली विच कैन नॉट बी टॉलरेट, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इसको बदलने का क्या रूल है? इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमूव टू। फॉर एग्जाम्पल, एक टू का यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस में, दूसरा है आपका पास्ट टेंस में। जैसे ही इज सो वीक, ही इज टू वीक टू वॉक, इज ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो जो भी चेंज होगा वो इस वाले टू और इस वाले टू को होगा, बाकी जो भी है वो अनचेंज है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वाक्य का आंसर होगा ही इज़, इसे रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह आ जाएगा सो, क्योंकि सो का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा। ही इज़ सो वीक, इस वाले टू को रिप्लेस करेंगे दैट, सब्जेक्ट आगे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, अगर आगे ही है तो ही, अगर आगे शी है तो शी, अगर आगे इट है तो इट, अगर आगे दे है तो दे, आगे अगर कोई फीमेल है तो शी लिखेंगे, आगे अगर कोई मेल है तो ही लिखेंगे, अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ हम दे का यूज़ करेंगे। तो आगे क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है और वो है मेल के लिए ही, तो ही आ गया। अब प्रेजेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम यहाँ कैन का यूज़ करेंगे, कैन नॉट वॉक, इसका अर्थ निकल रहा था कि वो इतना कमज़ोर है, यानी कमज़ोर है लेकिन इतना अधिक है कि वो चल फिर नहीं, यानी एक्सट्रीमली वीक, एंड ही इज़ नॉट कैपेबल टू वॉक। अगर हम इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज टू स्लो टू विन, इसका अर्थ होगा कि वह इतना धीमा था कि जीत नहीं सका, यानी इतना धीमा है कि जीतने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। टू अधिक है लेकिन नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करनी है, धीमा होना सही है, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, बट इतना स्लो है कि वो जीत नहीं सकता है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ही वाज का वाज रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी चेंज होगा वो आपका यहाँ होगा, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होता है। तो ही वाज सो स्लो, अब यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, तो पास्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग दैट आएगा ही आएगा। अब आगे क्या है? ही है, तो यहाँ पर भी ही आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस में आएगा वो हम फर्स्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो ही अब पास्ट फॉर्म है तो कैन की जगह हो जाएगा कुड, नॉट का यूज़ होगा ही होगा, और विन, यानी वो इतना धीमा था कि जीत नहीं सका। तो एक्सट्रीमली स्लो को इंडिकेट कर रहा है, नहीं धीमा है लेकिन इतना ज़्यादा है कि कभी उसके जीतने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो सिंपल अगर हम रूल की बात करें तो इस वाले टू को हटाएंगे और वहाँ सो का यूज़ करेंगे, इस वाले टू को हटाएंगे दैट आएगा ही आएगा, दैट के बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका कैन या कुड, कैन आएगा आपका प्रेजेंट फॉर्म में और कुड आएगा आपका पास्ट फॉर्म में।
उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर आगे सेंटेंस में ही है तो सेकंड सेंटेंस में भी ही का यूज़ होगा, अगर आगे सेंटेंस में शी है तो सेकंड सेंटेंस में भी शी होगा, अगर आगे फीमेल है या कोई फीमेल नेम है तो शी का यूज़ होगा, अगर आगे कोई मेल है तो ही का यूज़ होगा, अगर आगे दे है तो दे का यूज़ होगा सेकंड सेंटेंस में, अगर आगे इट है तो सेकंड सेंटेंस में भी इट का यूज़ होगा, और अगर आगे प्लूरल फॉर्म है तो हम दे का यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू चेंज इट। दूसरा एग्जाम्पल, राम इज टू लेजी टू वर्क, आलसी है लेकिन आलसी भी इतना कि उससे काम करने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो अगर हम इसे चेंज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं, तो देयर इज नो चेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस वाले वाक्य में ये आपका नो चेंज है, ये आपका नो चेंज है, और ये भी आपका नो चेंज है। जो भी चेंज होगा ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो रामेश को हम रामेश ही लिखेंगे, टू को हटाएंगे, टू की जगह हमने देखो क्या बताया था आपको, सो सो लगाएंगे, लेजी का लेजी रहेगा, इस वाले टू को रिप्लेस करेंगे, क्या लगाएंगे, दैट। अब सब्जेक्ट यूज़ करेंगे किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ अगर हम लिखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट है तो ये वाला आपका आएगा फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आगे राम है और राम एक मेल है, एक लड़का है राम, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही आएगा, दैट ही। अब ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कैन का यूज़ करेंगे, नॉट लगाएंगे, और फिर हो जाएगा आपका वर्क। ठीक है, एक पास्ट का और समझ लीजिए, सीता वाज टू थिन टू रन, सीता इतनी पतली है कि भाग नहीं सकती, यानी पतली इतनी है कि उससे भागा जाएगा ही नहीं, तो थिन है, एक होता है पतला, बट यहाँ पर टू थिन लगाए, इट मीन्स एक्सट्रीमली थिन, यानी बहुत ज़्यादा वीक होना, बहुत ज़्यादा पतला होना। तो सीता का सीता रहेगा, वाज का वाज रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया देयर इज़ नो चेंज इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस। टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे, थिन का थिन रहेगा, एंड देन दैट। अब सीता एक गर्ल है तो हमने शी का यूज़ किया है यहाँ पे, अब ये वाज पास्ट फॉर्म में है तो यहाँ हम लगाएंगे कुड और नॉट रन, दैट्स इट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है ये, एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले अगले वीडियो में हम आपके लिए और टॉपिक कंसल्ट करेंगे। थैंक यू।